गाइज गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे गाइज, और मैं भी आप लोग का दुआ और आशीर्वाद से अच्छी हूँ। तो गाइज अभी हो गया है इवनिंग का टाइम और मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। तो आज मेरा दो दो किचन में बन रहा है खाना, तो क्या रीजन है ये भी आप लोग को बताऊंगी। और प्लीज आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फुल दिन कीजिएगा। और हाँ, अभी ही आप लोग का कमेंट आ रहा है ना कि दी आपके वीडियो पे ऐड क्यों नहीं आता है, आप चैनल मोनिटाइज नहीं किए हो क्या? तो मैं बता दूं, भाई दीदी या छोटी सिस्टर या छोटा बाबू जो भी होगे उनसे बता दूं, मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया बहुत पहले, यानी 3 से 4 महीने हो गए थे मोनिटाइज हुए हुए, हो गई मोनिटाइज। बट जो इशू अभी ही मेरे चैनल पे आ गई है, ये लमसम 15 दिन से आ चुकी है, ठीक है। जो मैं पिन अप्लाई की थी ना, वो पिन नहीं आया मेरे चैनल, ओ सॉरी उसमें बोल रही हूँ काम के चक्कर में। तो यहाँ पे थोड़ी सी चावल बची है, इसे मैं गर्म कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, जो पिन होती है ना गूगल पिन, वो मैं अप्लाई की थी, वो मेरे पास अभी तक नहीं आई है। पता नहीं क्या इशू हो गया और मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। वो मेरा भाई किया था, तो पता नहीं गूगल पिन नहीं आने की वजह से मेरा मोनेटाइजेशन है वो बंद कर दिया गया है। बट मैं एक भाई ही है, वो भी यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर है, उसके चैनल अच्छा ग्रो किया है, तो उससे मैं मिली तो वो बताया कि दी टेंशन मत लीजिए, थोड़े दिन में आपका पिन आ जाएगा और पिन जैसे ही जनरेट कीजिएगा वैसे ही आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरे चैनल पे ऐड नहीं आती है, मैं खुद बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। जब मेरे व्यूज बहुत कम आते थे, 100 200 आते थे, तब मेरे चैनल पे ऐड चलती थी। और जब मैं मतलब अच्छा ग्रो कर रहा है, आप लोग को दुआ है, आप लोग मेरा हेल्प करना चाह रहे हैं, तो मेरे चैनल पे ऐड नहीं आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं मेरा किस्मत गंदा है ही है। जब मैं कुछ कहावत है ना, कोई मीठी छुए तो सोना हो जाए, कोई सोना छुए तो मीठी बन जाए, वही मेरी किस्मत है गाइज। तो क्या कहूँ, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। बट आप लोग से बिछड़ने से मैं डरती हूँ, इस वजह से मैं रोज वीडियो अपलोड करती हूँ, रोज अपडेट करती हूँ वीडियो। तो और अभी यहाँ पे मैं करूँगी कुछ बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बॉक्स वगैरह भी मसाला पीसी हूँ ना, इसकी वजह से बर्तन हो गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो अभी कपड़े भी ड्राई के लिए ड्राई की हूँ, बट अभी डालना है मुझे उधर और रस्सी पे ले जाकर, क्योंकि ओ हाँ हैंड से धो दी थी, अभी ना ड्राई किए हुए। ये क्या हो रहा है? स्टैम्प बनाने के लिए मैं जो पुराने जमाने में लेटर पे लिख के मिलता है चिपकाया जाता है। इनको बस यही काट पीट वाला ही चीज मिलता है, बाकी कुछ लिखने और पढ़ने के लिए नहीं मिलता है इनको। क्योंकि चैप्टर चल रहा है अभी नया नया है इसलिए। और इनको देख सकते हो, पेपर इनको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। आपको झूठ मत बोलो, भूख रख के गया हूँ। तो देख सकते हो एक किचन जो है मेरा यहाँ स्टार्ट हो रखा है। तो अभी आप लोग को रीजन मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्यों है। तो आज यहाँ पे बन रहा है गाइस चिकन, क्योंकि बच्चे कहीं देखते हैं ना किसी के घर बनते हुए, तो आकर बोले मम्मा उनके घर पे चिकन बन रहा है, मुझे भी खाने का मन कर रहा है। बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो इसके डैडी थे तो खिलाते थे हर बीच में, मतलब बनता ही बनता था चिकन। जो नहीं खाते उनको सॉरी, कान पकड़ के सॉरी मैं कर रही हूँ, क्योंकि हर लोग नहीं खाते हैं, बट जो खाते हैं उनको मैं दिखा दूँ। तो मैं बच्चे के लिए यहाँ पे इससे कम नहीं मिल रहा था, यहाँ पे चिकन इतना ही मिल रहा था, तो मैं सोची सूखा फ्राई बच्चे के लिए कर देती हूँ। तो देख सकते हो जो चिकन है वो बन के रेडी हो गया है, तो यहाँ भी आज को मैं बंद कर दूंगी। और हमारे किचन में है वो चिकन नहीं बनता है, वो बर्तन में नहीं बनता है, इसका बर्तन अलग होता है। और इसकी गैस चूल्हे भी मैं बच्चे की वजह से लाई थी, तो एक छोटी सी गैस चूल्हा लाई थी कि बच्चे मतलब जब भी बोलेंगे मैं बना कर दे दूंगी खाने के लिए। तो ये भी बन गया है, मैं हैंड वॉश कर लूँ पहले, फिर मिलती हूँ आप लोग से। पहले हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो गाइज इसी वजह से दो दो किचन हुआ है आज मेरे घर में, मतलब एक घर में मैं दो किचन की हूँ। तो और नए नियम करने वाले नहीं मानने वाले किचन में भी बना रहे हैं,
बट मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो बाई चांस वो मेरे घर पे आए तो मेरे घर का खाना कैसे खा सकते हैं, इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ किचन में। और चलिए मैं कपड़े उपड़े पहले डाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। आप प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए कि मेरे चैनल पे जो भी इशू है वो जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से मोनेटाइजेशन मेरा ऑन हो जाए। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मतलब सोचो मैं अपने लाइफ में परेशानी ही झेल रही हूँ, बहुत परेशानी झेल रही हूँ। सिर में पेन इसी वजह से होती रहती है हमारी, चाय पी पी के सिर का पेन कम करती हूँ फिर भी हो जाती है। तो चलिए गाइज मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ओके। तो गाइज फाइनली यहाँ पे खाना लग गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये है ड्राई चिकन, मैं अपने दूसरे चैनल पे देसी चिकन का रेसिपी डाली हूँ, ये देसी चिकन नहीं है, फॉर्म वाली है। और यहाँ पे रोटी और ये चावल, छोले जिनको चावल पसंद है, तो ये है चावल थोड़ी सी और रोटी है। और वहाँ डिस्पोजल वाला गिलास में देख सकते हैं आप लोग, डिस्पोजल वाला गिलास में पानी है, क्योंकि गिलास का बर्तन जो है अभी नॉन वेज का नहीं हुआ है, अगर देखती हूँ कुछ वेस्ट लगेगा तो मैं कर दूंगी। आज फर्स्ट डे है कि मैं अपने घर में बनाई हूँ, और कभी भी नहीं बनाती थी मैं घर में, आज फर्स्ट डे घर में ही बना है मेरा। हाँ ये रूम चिकन रूम हो गया तो। और ये चूल्हा मैं लेकर आई थी धनतेरस पे, क्योंकि बार बार कहाँ बनाऊँ किससे मांगूँ, इस वजह से मैं सोची चलो एक चूल्हा ले लेती हूँ। तो ये धनतेरस पे अभी सर्दी का टाइम आ रहा है तो एक वगैरह इन लोगों को उबाल करके दूंगी इस वजह से, और एक सिलेंडर परमानेंट रखूंगी इसी रूम में, धो दूंगी और साइड से अपना पानी निकल जाएगा। क्या इतने गोल्डन से काला हो गया? हाँ ये थोड़ा लोकल है ना इस वजह से। तो चलिए पहले इन लोगों को डिनर करवाऊँ।